अरे यार कहियो जल्दी जाकर। तो गाइस हम लोग ना लक्ष्मी हॉलीडे का जो बस होता है उसको लेने जा रहे हैं। आप लोग तो कभी देखे ही नहीं होंगे लक्ष्मी हॉलीडे का बस। तो गाइज अभी हम लोग रेड फोर्ट से होते हुए जा रहे हैं कश्मीरी गेट, वहाँ से बस लेंगे फिर निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। ये देखिए यहाँ पे है रोली, क्योंकि वो है लेडीज केबिन, उसमें दो लोग हैं और मैं और रोहित यहाँ पे स्लिप करने वाले हैं बस में। हम लोग को अपना सीट मिल, एकदम मजे ही मजे हैं। हेलो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं प्रयागराज जंक्शन पे और अभी हम लोग निकल रहे हैं ट्रेन वाला मतलब दिल्ली के लिए। और यहाँ पे ट्रेन का रेस्टोरेंट भी है अपने प्रयागराज में, जो की ट्रेन में बैठ के खाना खिलाते हैं। हाँ तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपने सीट पे बैठेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे वो आप लोग आगे देखना। तो मेरी ड्रेसिंग स्टाइल देख लो। पहले यहाँ से दिल्ली, फिर वहाँ से ऋषिकेश। काफी ज्यादा हम लोग ट्रिप मारने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला गाइस। सो गाइस मैं तो बहुत बार जा चुका हूँ इन लोगों को घुमा। बियॉन्ड द लाइन स्टे कनेक्टेड। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि आदि अपने घर चला गया था। आदि घर नहीं गया होता तो लेट नहीं होता। तो गाइस अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हम सफर लगने वाली थी, अभी 2 पे लगेगी, तो सब लोग भाग रहे हैं फटाफट से। और हम आऊँ भैया घिर रावत था कि के जाना मॉडल जमाना का मनाई ना यही तो उठा एक धीरे से कपारे धैले है और सट चला। पहले पहुंची प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, सब दौड़त भैया मऊ दौड़ लही, नहीं पता चला ट्रेन ये छूट गया भैया चूना लग जाए। हाँ सीढ़ी चलती रहे हम भी चढ़ते रहेंगे। गाइस एक्सीलेटर पे आ गए हैं और हम भी चलते रहेंगे, सीढ़ी चलती रहेगी। चलो फटाफट चलो गाइस, खड़ी है गाइस, मैडम कई दिन खड़ी है। दो पर पहुंचे कहते हैं मैडम, अब एक घर आ जाए। भागते भागते जा रही है, जैसे लग रहा है कि हम बैठाने आए हैं और उसको बैठा के चले जाएंगे। अगर हम नहीं बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस यहीं से देख सकते हो गाड़ी हमारी लग गई है स्टेशन पे और हम लोग फटाफट से भाग के नीचे जा रहे हैं। चलिए फटाक से पहुंच जाते हैं ट्रेन। ट्रेन गाइस अभी निकल भी जाएगी तो हम लोग दौड़ के बैठ सकते हैं। वैसे अभी टाइम है 15 मिनट का, हम लोग सोचे 6 पे लगेगी, 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले ही बता दिया कि 2 पे लगेगी। अभी देखते हैं कि हमारा डब्बा कहाँ पे है। मैं थोड़ा घर पे चला गया था इसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया हम लोग, और निकले फिर बस लिए फिर ऑटो लिए, अब जाके यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए गाइस हम सफ़र, और एक हम सफ़र आगे आगे जा रहा है। ओनली जॉब गेट नाउ। अल्ट्रासाउंड हो रहा है 15 मिनट पीछे जल्दी देख रहा हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ट्रेन पकड़ लिया और अब से 10 मिनट बचा हुआ है कि ट्रेन यहाँ से निकलेगी और रोली और रोहित जाके बैठ गए जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। तो चलिए फटाक से चलते हैं हम लोग भी अभी बैठते हैं ट्रेन में। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है, हम सफर एक्सप्रेस जो कि अभी प्रयागराज जंक्शन से चली है। अब वो सुबह 6 बजे हम लोग को पहुँचाएगी नई दिल्ली। तो गाइस फाइनली मैं आके ट्रेन में अभी लेट गया हूँ और अभी टाइम हो रहा है 10:52 और अब हम जा रहे हैं सोने और आप लोगों को मिलेंगे डायरेक्ट न्यू दिल्ली में। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई और मैं सो के उठ गया, फ्रेश वगैरह हो गया हूँ। हम सफर जो गाड़ी है गाइस, एक बार हम लोग आए थे तो वो कुछ स्टेशनों पर रुकती थी, बट ये वाली जो गाड़ी है गाइस ना सीधा प्रयागराज से चली है और सीधा न्यू दिल्ली जाके रुकेगी, बीच में कोई एक भी स्टॉप नहीं है। और अभी ये कौन सा स्टेशन है कहीं पे लिखा भी नहीं है। हाँ शिवाजी ब्रिज पे खड़ी है। अब यहाँ से बस चंद 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में अभी हम लोग पहुँच जाएंगे न्यू दिल्ली। वैसे दिल्ली में ही है हम लोग बट अभी 5 मिनट में न्यू दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो चलिए अभी रोली भी उठ गई है और रोहित अभी सो रहा है, उसको मैं उठाया। पप्पा से भी अभी सुबह सुबह बात हो गई, सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं। तो देखते हैं कि कब हम लोगों को न्यू दिल्ली पहुँचाती है, फिर हम लोग का वहाँ से बस भी है जो कि ले जाएगी हम लोग को हरिद्वार। फाइनली गाइस लास्ट में ट्रेन 20 मिनट डिले हो गई क्योंकि एक महिला ट्रेन से गिर गई थी और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली। मैं तो उतर गया,
बट अभी रोली नहीं उतरी है, वो बोली आराम से उतरूंगी, तो देखते हैं अभी वो आ रही है। ये देखिए, ये मैडम कहता है हमें भी ना अलग से ट्रेन रुके, कब भाई कहता है चला चला तो ना ही आवा था। एनसी बड़ा चोर की बा। ये तो भैया कहते हैं कि मोबाइल बचाओ नहीं तो चोर रहते। ये मार दिले चोरी कई लेना शेर कई दे। कहाँ गया रोहित? आया तो कब का हो? डर है। शूज डाल दिए थे ना? शूज बैग में। तो गाइस हम लोग फाइनली उतर चुके हैं, तो चलिए अभी स्टेशन पे। रुको जा सकते हैं यार? अरे यार कहियो जल्दी जा सकते हैं। ये सब भाई एकदम पकाए जाए जाना है ट्रेन भर पूरा एकदम भाई का बताए टिकट के सब रह जाना है। तो आइक लिया जाए भैया हुआ था ना आइए भैया भैया चलो भैया सोई कूट गया है चीजें रह चले चले। अब भैयों का बहुत योगदान रहा, चाहे पीलो हो चाहे पानी बोतल हो, पानी खो पिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने न्यू दिल्ली से बुक कर दिया था ओला, बट वो गाइस क्या बताऊं अभी हो गया है छोला, बोल रहा है कि और आगे आओ। हाँ तो अंदर नहीं आएंगे, वो लोग का पैसा कटता है ना। तो अभी हम लोग को थोड़ा दूर चल के जाना पड़ रहा है, वो बोला थोड़ा सा बाहर आओ फिर हम आते हैं, वो आके साथ खड़ा भी है, तो चलिए फटाक से देखते हैं। तो गाइज अभी हम लोग रेड फोर्ट से होते हुए जा रहे हैं कश्मीरी गेट, वहाँ से बस लेंगे फिर निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। तो गाइज फाइनली ओला वाले ने हम लोग को छोड़ दिया है कश्मीरी गेट, और अभी हम लोग लेने जा रहे हैं बस जो की ले जाएगी सीधा हरिद्वार। तो चलिए हरिद्वार चलते हैं, और यहाँ से मैंने गाइस अभी सर्च किया ना तो 170 किलोमीटर बता रहा है यार, वही मैं सोच रहा हूँ कि बस में इतना देर कैसे ट्रेवल करेंगे। वैसे बस ऐसी है कि सो के भी जा सकते हैं बैठ के भी जा सकते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी हैं कि आराम से रिलैक्स होके जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोडवेज पे जहाँ पे मतलब बस आएगी बस स्टैंड पे। तो भैया हम सब ना नाचत ही एसी बस हेरत ही बुक करे है जात है लोकेशन तब साहब देखत है 5 मिनट से डोलत ही कहाँ बुक भाई यही भैया गुफा में जाते ही हम सब। आदि पहले ही बोला था कि हर चीज हेलो रूंगा, तो आदि चालू हो गया है। मैं तो गाइस बोला था परगे वीडियो बनाई भैया, वो पहले ही बोल का रहे थे एक नाते छोड़ा बना चाहे जो हो जाए कितना झगड़ा मार हो जाए वीडियो बनाओ। वाह भैया तू जिन्हें देखा सटाई दे बस एक में हम तो लाइव दिखावा था एकदम सट जाए बस आ देखा एकदम जाम लग गवा है। अभी ही पुल के नीचे हमें से एक बस मिले और पिछवा खचा खच आवत रहा तो नहीं कोरी चला। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं लक्ष्मी हॉलीडे जो कि बस है वो लेने के लिए, तो यहाँ पे उनका ऑफिस था, तो टिकट वैसे हम लोग ने ऑनलाइन बुक कर दिया। 170 किलोमीटर जाना है, ये वाली बस है गाइस देख लीजिए आप लोग, टिकट आ गया दिखाओ, ये देखिए गाइस ऑनलाइन टिकट आ गया। जो बस हम लोगों ने बुक की थी वो आ गई है, देख सकते हैं आप लोग 7006 सड़ी बात चढ़ाई का है वाह ड्राइवर साहब कहा राजू सटाई दी है एकदम। हम लोग तो सोचे गाइस लेट हो गई, देखा था उधर दरार देख अभी भरेगी भरने दो कोई दिक्कत नहीं सब बुक किए होंगे आ रहे हैं यही तो जो वहाँ भी बस जा रही है ना यही जा रही है, जैसे जो बस वहाँ जा रही है ना वो भी यहाँ से ही जा रही है, वहाँ पार्किंग में लग रही है। तो गाइज फाइनली मैंने लगेज वगैरह डाल दिया बस के अंदर और बस एकदम रेडी है, अभी जस्ट आई फिर निकलने जा रही क्योंकि इसका टाइम ही है 8 बजे निकलने का और वहाँ पे देखते हैं कितने बजे पहुँचाती है। वैसे 3-4 घंटे लेगी क्योंकि 170-180 किलोमीटर है यहाँ से दिखा रहा है। तो अभी रोली और रोहित चढ़ चुके हैं, मैं लगेज नीचे डाल रहा था तो भीड़ भाड़ है, तो मैं सोच रहा हूँ सबको चढ़ जाने देते हैं आराम से चलते क्योंकि सीट तो आराम से मिलेगी क्योंकि जब बुक है तो मिलना तो तय है। गाइस फाइनली ये देखिए यहाँ पे है रोली क्योंकि वो है लेडीज केबिन, उसमें दो लोग हैं और मैं और रोहित यहाँ पे स्लिप करने वाले हैं बस में, हम लोग को अपना सीट मिल एकदम मजे ही मजे हैं। मैं भी सोचा मेरा तेरा एक साथ होगा यार, लोचा हो गया, हम लोग का साथ में हो गया जेंट्स जेंट्स का कैसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं हम आराम से मजे लेंगे
ऐसे ऐसे छछुंदर लोग मिलते रहते हैं जो कि इसी में मजा कर रहे हैं। और ये डबल डेकर है गाइस, मस्त ऊपर से नजारा भी आएगा, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। आ जाओ ट्रेनी में सुधरे, फिर लागत जैसे ट्रेनिंग है भाई। भाई साहब भाई सबसे ज्यादा मजा गड़ाक। अभी वैसे मैं अभी स्टेटस डालना पड़ेगा, सही सही बता दूं तो मैं फर्स्ट टाइम इसमें आया हूं ट्रैवल करने, मस्त है। लेकिन ये देखिए गाइस, बंदा अकेले अकेले खा रहा है, ये देखिए। वैसे कोई बात नहीं, अब मैं देख लिया हूँ ये अकेले खा रहा है, सब सामान हमारे पास ही है। Here I am, daughter-in-law of Ambani. अंबानी की डॉटर इन ला है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप पर्दा लगा लो। अब हम लोग जा रहे हैं ना, सब कुछ खा जाएंगे जो बचा है, बिस्किट चिप्स कुरकुरे भुजिया है। दू मतलब कुल तो है, दे दे। ये भी पूरा मत खा जाना अकेले। आओ क्यों आओगी, बैठना है तो आ जाओ, आओ दिखना गिरना मत। कौन बोला एक्सरसाइज करने को? ये तो गाइस एक्सरसाइज कर रही है आराम से। अभी यहाँ पे आएगी, हम लोग लूडो वगैरह खेलेंगे, आराम से आ जाओ। ये अब मजा आ रहा है, तीनों लोग एक साथ। ये देखिए गाइस, अभी हम लोग तीनों लोग ले भी ना वो का लूडो लगा, पहले भोकाल मार ली पहले भोकाल मार ली तब लूडो खेला। हम तो भैया चलत रहे। तो गाइस फाइनली हम लोग जब निकल गए थे दिल्ली से, तो अभी पहुंच गए हरियाणा में, और हमारी बस रुकी हुई है एक ढाबे पे, हम लोग वहां पे खा रहे हैं। ये देखिए वहां पे बस लगी है, एक ही कंपनी की दोनों बस लगी हुई है। तो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके निकलते हैं हम लोग, फिलहाल अभी भुजिया वगैरह खाए थे बस में। ज्यादा कुछ खाते नहीं, इसलिए एक ही मंगाने। गाइज अभी थोड़ा सा फील हुआ कि हरिद्वार में आए, क्योंकि वो देखिए वादियां दिखने लगी पहाड़ों की, और ये देखिए नदी। गाइज फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच गए, और यहाँ पे देखिए हर के पौड़ी, और अभी शिव जी को भी दिखाएंगे। ये देखिए गंगा उफान पे है 21 तारीख से, अभी मैंने देखा वीडियो में तो 21 तारीख से बहाव तेज हो गया है, और यहीं पे हम लोग घूमने वाले हैं। अभी बस में से दिखा देते हैं आप लोगों को, फिर पास चलेंगे तो फिर दिखाएंगे ही। यहीं पे एक शिव जी का मंदिर था बड़ा सा, देखते हैं गाइस कहाँ पे है शिव जी का मंदिर। नई वीडियो में भी मैंने देखा था, बड़ी सी ऐसे रोली ने पहले ही देख लिया, सब पेड़ पौधे आके ढक दे रहे हैं। ये देखिए गाइस, हम तो नहाएंगे इसी में। बस बस भैया एक दिन की इंतजार रहा, आ गया ही बाबा नगरी में। ये देखिए गाइस शंकर भगवान आ गए, भोलेनाथ आ गए, यहाँ है पेड़ के आड़े छुपा थन, सोचा था हम सब लाई ना पाई जाइए, फिर इनकरे लगे आई लगे। या देखिए गाइस जय भोलेनाथ। गाइस सबसे खुश कोई है तो ये है, एकदम खुली वादियां और खुला आसमां। गाइस ये गाना मतलब ये हसी वादियां, ये खुला आसमां, हम लोग गाइस चार जने हम कहां है मेरे साजन, ये इसका गाना है। और मेरा क्या गाना है सुनिए सर, मेरा गाना है ये हंसी हंसी वादियाँ। तो गाइज यही सब है जो हरिद्वार में देखने में बहुत अच्छा लगता है, बाकी और जो भी है वो सब मैं आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। कुतिया देखिए, अभी देखिए चाट रही है डेरी मिल्क। तो गाइज फाइनली हम लोग उतर गए हैं, और ये रही बस जो कि अभी जा रही है, और यहाँ पे है रोली, यहाँ पे है गेंडा। तो
तो गाइस देखते हैं, गाड़ियां बहुत फास्ट आ रही है, इधर से भी देख लो। और हम लोग हैं चार लोग, एक हम रोहित, ये इसमें दो है, देख रहे हैं अभी चढ़ के डाकना है आराम से, इधर से ही पूछो। चलो चलो चलो, अबे यार चलो भी पूछते हैं जहाँ पे हम लोग को जाना है। क्या बोलती पब्लिक? बहुत धूप है गाइस, ये बोल रही थी वहां पे चल बा, बहुत शीतल शीतल हवा चल रहा था और बहुत ठंडा मौसम रहा था, यहाँ कपार निचाट है भैया, जरत है का बताए तो चाहिए के। क्या बोले पूछिए आप बोलो। फॉरेनर समझ के लूटने के चक्कर में होंगे, लेकिन वो बहुत चलाक लड़ रहा है। हम अपन ले आई तो गाइस अभी फाइनली हम लोगों ने रूम ले लिया और हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में। हम लोग लक्ष्मण झूला से कुछ ही दूर पर हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे हैं। और आगे का ब्लॉग जो है गाइस वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जाएंगे पहले तो लक्ष्मण झूला, फिर राम झूला, बाकी और सारी जगह विजिट करेंगे हम लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। गाइस हम लोग को बहुत सस्ते में ही बहुत अच्छा रूम मिल गया है, विदेशी। और ये देखो सब जगह हम लोग ने देखा, यहाँ पे रोहित नहाने जा रहा है, तो और सब जगह हम लोग ने देखा तो हमको मिल रहा था 2000 के नीचे रूम ही नहीं मिल रहा था। और अगर 1500-1600 में मिल रहा था तो बिना एसी का, बट ये 1500 में विद एसी मिल गया हम लोग को, तो हम लोग बहुत खुश है। और 2 दिन यहाँ पे रुकेंगे, जो जो मतलब हमारे सब्सक्राइबर है, मिलना चाहे तो डीएम करना इंस्टा पे आदर्श यादव स्टाइल पे, मैसेज करना, तब जाके मिल पाएगा कॉन्टैक्ट। हाँ चलो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।